हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ कटहल की बहुत ही टेस्टी और रसदार सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाले हूँ। अगर कटहल का सीजन आ गया है दोस्तों, तो कटहल की सब्जी को इस तरीके से ज़रूर बनाएं, एक बार ट्राई करें मेरी रेसिपी को, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी लगती है और वेजिटेरियन लोगों को ये चिकन या फिर मटन से कम नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना मेरे आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे चाहिए होगा कटहल। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ का कटहल लिया था, इससे मैंने लगभग 250 से 300 ग्राम के लगभग मैंने कटहल के पीसेस को निकाल लिया है, छिलके निकाल लिया मैंने पहले से। और इसके साइज़ को आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में से किया है। और इसे मैंने प्रेशर कुक करके 4 सीटियाँ लगा ली थी। तो आप इसे प्रेशर कुक कर लें और इसे पानी को जो रहेगी वो आप फेंक दें, नमक और हल्दी डाल के इसे उबाल लें। तो ये काम आपको पहले सब्ज़ी बनाने से पहले ही कर लेना है। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आलू भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जस्ट उसी तरीके से छिलके निकाल लिया है और इसे मैंने कटहल के हिस्से में कट कर लिया है। यहाँ पर मैं लूँगी 3 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप्ड किया है, चॉपर के हेल्प से बहुत ही फाइन अच्छे से हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने कोई भी सिंपल सा घर में एक एल्युमिनियम पैन है वही मैंने ले लिया। और यहाँ पे हम डालेंगे सरसों का तेल 1 बड़ी चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमें इसे कटहल और आलू को फ्राई करना है। तो बस अब हम इसमें तेल को जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें कटहल डाल देते हैं, आँच को मीडियम में रखेंगे। अब तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद ही आप कटहल या फिर आलू डालें। तो दोनों को ही हम साथ में ही डाल लेंगे, एक एक करके फ्राई करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। बस इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, बस 5 मिनट तक आप फ्राई करें और उसके बाद इसे सिंपली निकाल लें, जब ये थोड़ा थोड़ा पैन में चिपकना शुरू हो जाएगी। तो दोबारा हम पैन में फिर से तेल डाल लेंगे। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आप तेल डालो। और तेल सरसों का इस्तेमाल करना सब्जी को बनाने के लिए। और तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ता मीडियम साइज़ का डाल लेंगे और तेज़पत्ता को थोड़ा सा चटकने दें तेल में। इसी के साथ 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और इसे भी तेल में अच्छे से चटकने देंगे। यहाँ पे मैं 2 सूखी लाल मिर्च भी ले रही हूँ सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और इसी के साथ हम प्याज को डाल लेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। 2 हरी मिर्ची भी हम साथ में डाल लेंगे, इसे और भी स्पाइसी और तीखा बनाने के लिए। अगर आप और हरी मिर्ची यूज़ करना चाहते हैं, यानी तीखा यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ कर सकते हो। आँच को मीडियम में रख के बीच बीच में चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे, यानी इसे अच्छा फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। उसके बाद हम उसी चॉपर में 1 मीडियम साइज़ का टमाटर को भी चॉप करके साथ में डाल लेंगे और टमाटर को भी हम इसमें फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मसाले भी इसमें डाल लेते हैं, साथ में ही ये फ्राई हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। 2 छोटी चम्मच हम धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। और यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 ब्लैक पेपर को मैंने कूट लिया है और उसे हम डाल लेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स इसे और भी स्पाइसी बनाने के लिए डालेंगे। अगर आप पसंद ना हो ज़्यादा तीखा तो आप थोड़ा कम डाल सकते हो। और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके मसालों को धीरे धीरे करके अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। आँच को लो टू मीडियम में रखेंगे और जब मसालों से एक अच्छा सा खुशबू आने लगेगा तो आप समझ लेना कि मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो जैसे ही आपके मसाले फ्राई हो जाते हैं तो हम इसमें डाल लेते हैं जो अभी हमने फ्राई करके कटहल और आलू को रखा था, उससे हम डाल लेते हैं। तो मसालों को पहले अच्छे से फ्राई होने दें 3 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए, उसके बाद ही आप इसमें कटहल को डालें। और इसे भी हम चला लेंगे, अच्छे से मसालों में मिला लेंगे। एंड में हम डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल का पाउडर, ये तीखा थोड़ा कम होता है और कलर बहुत अच्छा देता है, तो आप इसे डाल लें। और 1/2 छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और लास्ट में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये रोस्टेड कसूरी मेथी है। आप तवे पे कसूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लें और इसे हाथ से क्रश करके डाल लें। और ये देख सकते हो आप
कि हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और ये एकदम से तैयार हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हुई है, तभी तो सब्ज़ी आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, है ना दोस्तों। और लास्ट में हम नमक डाल लेंगे। मैं हमेशा लास्ट में नमक इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमें मिस्टेक हो जाती है कभी कभी नमक डालने में, बीच में अगर हम नमक डाल लेते हैं। और नमक हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। तो जो नमक हमने कटहल में उबालते वक्त डाला था उसकी कोई गिनती नहीं होती है, वो नमक पानी के साथ निकल जाती है। और जब अच्छे से सारे चीज़ फ्राई हो जाए तो हम इसे प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगने तक उबालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल लें और इसमें चलिए लीड को लगा लेते हैं और मीडियम फ्लेम में हम 2 सीटियां लगा लेते हैं। और जब सीटी लगा लेंगे तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त कलर आया है सब्ज़ी की, क्योंकि इसमें हमने इतने सारे चीज़ डाले हैं कि ये सब्ज़ी का कलर को बहुत ही मस्त बना दिया है। और चलिए गर्मा गर्म इसे हम परोस लेते हैं क्योंकि लास्ट में हम खाने की बारी तो आ ही जाती है। तो तैयार है हमारी आलू और कटहल की बहुत ही रसदार और टेस्टी सी सब्ज़ी। तैयार हो चुकी है हमारी सब्ज़ी और आप इसे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बहुत ही स्पाइसी लग रही है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।